बिम्सटेक। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिम्सटेक के बारे में, और यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, इसका क्या काम है, साथ ही साथ में यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वे बिम्सटेक के बारे में सुने होंगे या जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग बिम्सटेक के बारे में जानकारी को देखते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों का तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण को बढ़ाकर एक दूसरे का साथ देना और सहयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी से लगे जितने भी देश हैं उन देशों के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी से पड़ोसी में हैं या उसके समीप में जो देश हैं उन लोगों का एक समूह है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इन सब का उद्देश्य क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनमें आर्थिक विकास हो, यानी इकोनॉमिक रूप से वे लोग विकास करें, साथ साथ में उनका जो है एक दूसरे का जो सोशल कल्चर है, सोशल चीज़ है वो को भी आगे बढ़ाना है, उसका भी प्रगति करना है। और जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में जो है वातावरण है, जो भी कोऑपरेशन है, उन सारी चीज़ों को देखना है और एक दूसरे को सारी चीज़ों में हेल्प करना है। तो यह है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल के किनारे में जितने भी देश हैं, यानी कि मान लेते हैं यह भारत है और यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है, तो इसके किनारे में जितने भी देश हैं इस वाले रीजन में, साथ ही साथ में इंडिया के समीप में और बंगाल की खाड़ी के समीप में जो देश हैं उनके बीच का ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं और जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म को भी हम लोग जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह इसका फुल फॉर्म है बिम्सटेक का, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। यह है इसका हिंदी में फुल फॉर्म। इंग्लिश में इसको जानना जरूरी है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ है। दोस्तों तो इसका जो स्थापना हुआ है वह है 6 जून 1997 को, यानी कि 6 जून 1997 को इसका स्थापना किया गया था, इसका इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय को भी देखते हैं। मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और इसको 2014 से इसको मुख्यालय बनाया गया है, यानी कि 2014 से इसका मुख्यालय जो है वह ढाका में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ढाका में है इसका मुख्यालय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी VVI हो जाता है। अब दोस्तों इसका इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी है। देखते हैं यहाँ पर प्रारंभ में 4 देशों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड का समूह था, जिस कारण इसे बिम्सटेक कहा गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यह समूह बना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बांग्लादेश का बी, इंडिया का आई, श्रीलंका का एस और थाईलैंड का टी, ये बिस्ट हुआ क्या, साथ साथ में ईसी यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस प्रकार से इसका नाम जो था वह बिस्ट और ईसी से बिम्सटेक मिलकर के बना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला नाम था बिम्सटेक था, और यह जो बना था उस समय यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यह समूह को बनाया गया था। तो पहले जो 4 देश थे वे हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, इस कारण से इसका नाम बिम्सटेक था। फिर दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि 22 दिसंबर 1997 को, यानी कि 22 दिसंबर 1997 को क्या हुआ, म्यांमार के जुड़ने के बाद में नया नाम बिम्सटेक कहा गया। यहाँ पे देख रहे हैं बिम्सटेक कहा गया, यहाँ पर लोग ध्यान रखेंगे ये जो था पहले बिम्सटेक उसी में से अब एम जुड़ गया, यानी कि म्यांमार जुड़ गया, इसी कारण से इसका जो नाम हो गया वह हो गया बिम्सटेक। बाद में 1998 में नेपाल ऑब्जर्वर बना, तथा फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को फुल मेंबर कंट्री बने। दोस्तों पहले जो है नेपाल या 1998 में ऑब्जर्वर बना कि यहाँ पे जो है बिम्सटेक में क्या होता है, इसमें किस प्रकार से काम होते हैं, साथ साथ यहाँ पे रहना फ़ायदेमंद है या नहीं है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए यह ऑब्जर्वर बना था। यानी कि यह ऑब्जर्वर पहले बना, फिर बाद में फरवरी 2004 में नेपाल और नेपाल के साथ साथ में फिर भूटान, यानी कि नेपाल प्लस भूटान जो है वह फरवरी 2004 में इस बिम्सटेक में फुल मेंबर कंट्री बने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले जो था वह म्यांमार आया, फिर बाद में नेपाल और भूटान, इस प्रकार से यहाँ पर एक नया समूह बन गया जो कि 7 कंट्री का बना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है इस प्रकार इस समूह 7 सदस्य देशों का संगठन बन गया। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि 7 देशों का सदस्य बन गया। पहले 4 देश यहाँ पर हैं,
उसके बाद ये पाँचवा हो गया म्यांमार, फिर छठा और सातवां। तो इस प्रकार से यह 7 कंट्रीज का समूह बन गया बिम्स्टेक। दोस्तों यहाँ पर है कि चेयरमैनशिप दिया जाता है, यहाँ पर ये जो समूह है उसमें चेयरमैनशिप दिया जाता है। तो अभी जो फिलहाल है चेयरमैनशिप वह मिला हुआ है थाईलैंड को, यह मार्च 2022 से इसको चेयरमैनशिप मिला हुआ है थाईलैंड को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल का भी दिया जाता है, यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल का भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें अभी जो है इंडिया है, और इंडिया सिंस 2023 यानी कि 2023 से अभी सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है बिम्स्टेक का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी वर्तमान में जो है यानी कि करंट में जो है वह इंडिया है। और दोस्तों यहाँ पर अभी सेक्रेटरी जनरल जो इंडिया के है यानी कि बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरी जनरल इंडिया है, इसके जो प्रमुख हैं वह कौन है, तो वह है इंदिरा मणि पांडे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदिरा मणि पांडे जो हैं वह सेक्रेटरी जनरल के हेड हैं, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, और अभी इंडिया ही इसका सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है इसी कारण से। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वह भी समीप का ही देश है, बे ऑफ बंगाल का समीप का ही देश है, लेकिन यह इसका मेंबर नहीं है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान जो है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, यानी कि बिम्स्टेक का जो है बिम्स्टेक का सदस्य में पाकिस्तान नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान नहीं है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों यहाँ पर लीडरशिप भी दिया जाता है। तो सदस्य देशों के नामों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेशन होता है। तो अभी जो है यहाँ पर जो सदस्य देश हैं उनके अल्फाबेट ऑर्डर में ही रोटेशन होता है, और उसी हिसाब से यहाँ पर लीडरशिप दिया जाता है, क्योंकि जब भी लीडरशिप दिया जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही देशों को यहाँ पर लीडरशिप का मौका दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, तो भारत जो है बिम्स्टेक के कुल खर्च में 32% योगदान देता है। दोस्तों यहाँ पे बिम्स्टेक में जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी आय व्यय होता है, उसमें से भारत का अगर योगदान की बात करते हैं तो यह 32% भारत का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 32% योगदान देता है भारत बिम्स्टेक में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों बिम्स्टेक में 5 बार सबमिट हो चुका है, यानी कि ये जो संगठन है उसमें भी सबमिट होता है कि कब क्या करना है, नहीं करना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ को हम लोगों को छोड़ना है, जोड़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर सबमिट होता है। तो इसमें 5 बार सबमिट हो चुका है। तो देखते हैं सबसे पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ। तो पहली बार जो हुआ वह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, पहली बार बिम्स्टेक का सबमिट। दूसरी बार जो हुआ वह न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा जो हुआ नाइपिडो में हुआ, वह म्यांमार की राजधानी है। चौथी बार काठमांडू नेपाल में हुआ। पांचवा बार कोलंबो श्रीलंका में हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 5 बार सबमिट हो चुका है, उसमें इंडिया में भी 1 बार हो चुका है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और अभी तक टोटल 5 बार हो चुका है इसका सबमिट। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 31 जुलाई 2004 यानी कि 31 जुलाई 2004 को सभी सदस्यों का सबमिट हुआ, और नया नाम बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को ऑपरेशन पर मुहर लगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो भी नाम था वो तो आप लोगों को मालूम हो ही गया, लेकिन बाद में बिम्स्टेक जो है वह बना, और इसमें इसका जो फुल फॉर्म दिया गया वह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को ऑपरेशन, इस नाम पर मुहर लगा, और अभी पूरे विश्व में इसको बिम्स्टेक के नाम से ही जानते हैं, जबकि यह पहले जो है देशों के नामों के हिसाब से था। यह बिम्स्टेक जो है देशों के नामों के हिसाब से था, यानी कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस नाम से था, लेकिन बाद में उसको ऑफिशियली जो किया गया वह बिम्स्टेक ही किया गया, जो कि यहाँ पर अभी आप लोग देख लिए। तो यह जो हुआ 31 जुलाई 2004 को हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बिम्स्टेक बना गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो है इसका स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये और साथ साथ मेंबर कंट्री कौन कौन है और टोटल कितने कंट्री हैं, तो ये 7 हैं। इन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान रखना, और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो यही था बिम्स्टेक, जो कि बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के समीप वाले यानी उसके तटवर्ती जो भी देश हैं या फिर उसके समीप के देश हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ दे करके आगे बढ़ रहे हैं सारी चीज़ों में। तो ये आप लोग याद रखेंगे।